आज की क्लास में हम फिल्टर ऑप्शन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर आपके पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, ये थोड़ा बड़ा डेटा सेट है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है। यहाँ पर 135 रिकॉर्ड्स हैं और आप इस डेटा सेट को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हमको डेटा की छटनी करनी होती है। जैसे मुझे इसमें से सारे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग स्ट्रीम के हैं, देखिए एमएससी के भी हैं, पीजीडीसीए के भी हैं, इनमें से सिर्फ उन लोगों का नाम देखना है जिन जो पीजीडीसीए के हैं। मुझे इनमें से डेटा की छटनी करनी है, सिर्फ पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट की नाम चाहिए, बाकी सब नाम नहीं चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे प्रिंट निकालूंगा, पेपर पर इसे सेलेक्ट करूंगा ये सारी चीजों को, और फिर या तो इनको फिर से टाइप कर लूंगा या फिर पीजीडीसीए छोड़ करके मैं बाकी सारा चीजों को डिलीट करना चालू कर दूंगा, इसको 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 इसको। और ऐसा करने में मुझे काफी समय लगेगा, गलती भी हो सकती है, एक आध नाम एक्स्ट्रा डिलीट हो सकता है, एक आध नाम छूट भी सकता है। प्लस यहाँ पर अगर 100 नाम है तो मैं इसको करीब 15 से 20 मिनट में कर पाऊंगा कंप्यूटर पर, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 90,000 नाम होते, जैसे आधार कार्ड का डेटा है या फिर वोटर आईडी का डेटा है या फिर आप कोई सर्वे करते हैं उसका डेटा है, उसमें 1 लाख 10 लाख किस टाइप के डेटा सेट होते हैं, बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं, तो उनमें से छटनी करना काफ़ी दिक्कत का काम है। तो उसके लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर में फिल्टर ऑप्शन का ही यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम एक थोड़े मीडियम साइज के डेटा सेट पर फिल्टर ऑप्शन लगा करके देखते हैं कि कैसे हम फटाक से इसको छटनी कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की लिस्ट देखनी है। ध्यान दीजिए, मेरे पास डेटा सेट है, मुझे पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट देखनी है जो दुर्ग में रहते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट जो दुर्ग में रहते हैं, मुझे लिस्ट देखनी है। तो मैं यहाँ पर कैसे देखूंगा, देखिए मैं यहाँ पर पहले फिल्टर लगाऊंगा। ये मैंने फिल्टर लगाया, इसके लिए मैंने पहले पूरा सेलेक्ट कर लिया, फिर डेटा में जाकर के फिल्टर ऑप्शन का हम यूज करेंगे। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा एरो का साइन आ जाएगा, देखिए सारे हेडिंग्स में आ जाएगा। ये फिल्टर्स लग गए, इनको ऑटो फिल्टर के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ऑटो फिल्टर भी पूछा जाएगा, यही लिखना है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, पहला कंडीशन है कि कोर्स होना चाहिए पीजीडीसीए और दूसरा है एड्रेस होना चाहिए दुर्ग। तो मैं दो दो फिल्टर लगाऊंगा, सबसे पहले मैं कोर्स में जाता हूं और यहां पर कंडीशन लगा देता हूं पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए सबसे लास्ट में था हमारे पास, तो पीजीडीसीए को मैंने टिक कर दिया। तो ऐसा करते ही पहला फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैंने जैसे ही किया तो सारे पीजीडीसी स्टूडेंट जो हैं वो दिख रहे हैं। आप देखिए सीरियल नंबर भी चेंज हो गया है, 6 के बाद 14 सीरियल नंबर चेंज हो गया है। मैं काउंट देख सकता हूँ कि पीजीडीसी के कितने स्टूडेंट हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर इन सभी नाम को सेलेक्ट करूंगा तो एक्सेल मुझे तुरंत काउंट दे देता है, यहाँ पर 33 स्टूडेंट जो है पीजीडीसी के थे, यानी कि 135 में से 33 स्टूडेंट जो है पीजीडीसी के हैं। अब दूसरा फिल्टर मुझे लगाना है, जैसे कई लोग बालोद से हैं, बालोद के हैं, कई लोग यहाँ राजनांदगांव के हैं, कई चापा के हैं, मुझे ये देखना है कि कितने लोग दुर्ग से हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा फिल्टर लगाने जा रहा हूँ, दूसरा फिल्टर में मैं यहाँ पर जाऊँगा टेक्स्ट फिल्टर एंड्स विद, ध्यान देना है टेक्स्ट फिल्टर एंड्स विद मतलब किसका एड्रेस खत्म हो रहा है, एंड्स विद में मैं जाऊँगा दुर्ग। तो देखिए हमारे पास सिर्फ दुर्ग की लिस्ट फिल्टर होके आ गई है। अब 33 नाम थे, मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास 24, यानी पीजीडीसीए में 33 लोगों ने अप्लाई किया है जिसमें से 24 जो है दुर्ग के हैं। और आप लोग अपना खुद अपना नाम देख पा रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा आपका एड्रेस जो है इनमें से दिख रहा होगा, क्लियर है। तो दुर्ग जिले के कितने लोग हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने फिल्टर्स और फिल्टर ऑप्शन का को लगाया और फिल्टर ऑप्शन के द्वारा हमने कई सारे चीजों को यहाँ पर करके देखा। लेकिन फिल्टर ऑप्शन का एरिया काफी बड़ा है, इसको प्रैक्टिस करने में करीब हफ्ता 10 दिन लगेगा, बहुत सारे फिल्टर है, हजारों की संख्या में फिल्टर होते हैं। तो आपको अलग अलग कुछ बेसिक 10-15 फिल्टर्स के बारे में बताया जाएगा। तो फिल्टर्स की कैटेगरी होती है, सबसे पहला देखिए मैंने यहाँ पर जब फिल्टर लगाऊंगा तो ये नंबर फिल्टर आएगा। फिल्टर को कैटेगरी में बांटा गया है, नंबर फिल्टर,
दूसरा है अगर टेक्स्ट फिल्टर होता है, डेट टाइम फिल्टर होता है, और एक कस्टम फिल्टर भी होता है। तो इस तरीके से आपको तीन चार टाइप के फिल्टर मिलेंगे और सब में अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मुझे छांटना है चलिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट PGDCA के हैं जो दुर्ग में रहते हैं और उनका नाम ए से स्टार्ट होता है। ध्यान देना, मैं फिर तीन कंडीशन बता रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो PGDCA में के हैं जो दुर्ग में रहते हैं और उनका नाम ए से स्टार्ट होता है, क्लियर है, ये तब यूज किया जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए जैसे हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट का डेटा है, तो एक्सीडेंट हो जाता है, हम गाड़ी के कुछ नंबर पढ़ पाते हैं कि उसकी गाड़ी रेड कलर की थी और लास्ट का दो डिजिट नंबर का 56 था, पूरा नंबर हम नहीं पढ़ पाते, तो वैसे में भी हम यहाँ पर छाट सकते हैं डेटा। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट का नाम देखना है जिनका जो PGDCA के हैं दुर्ग में रहते हैं और उनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उस बच्चे का नाम किस अमन बताया था कि अजय बताया था, क्या नाम बताया था मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन ए से था इतना याद है मुझे। वो बच्चा PGDCA का था और दुर्ग से आया था और अमन या अजय कुछ नाम बताया था उसने, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है। तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि आज कोई स्टूडेंट मेरे पास आया था, उसने बताया कि मैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर का हूँ और मुझे आने में लेट हो गया, मैं दुर्ग से आया और मेरा नाम ये है, उसने अमन अजय अमित ऐसा कुछ बताया था, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो PGDCA का था और दुर्ग से आया हुआ था। तो अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा देखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन मैंने बताया, तो पहला जो मैंने कंडीशन लगाया PGDCA, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिल्टर कर दूंगा। पहली कंडीशन में यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, पहले डी सेलेक्ट कर लिए और सिर्फ PGDCA लिए। ऐसा करने से सिर्फ PGDCA वालों की लिस्ट आ गई और दुर्ग की लिस्ट यहाँ से हम देखेंगे। दूसरी कंडीशन, एड्रेस जो है उसका दुर्ग था, तो यहाँ पर मैंने गया एंड्स विथ दुर्ग कर दिया, दुर्ग वालों की लिस्ट आ गई। अब मुझे देखना है कि वो उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा था, तो फिर मैं टेक्स्ट फिल्टर किया, बिगिंस विद मैंने कर दिया ए, तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है अंजलि कुमारी जो PGDCA की है और दुर्ग में रहती है और ए से उसका नाम स्टार्ट है। मैं दूसरा और करके दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं बिगिंस विद में गया यहाँ पर बी कर देता हूँ, तो बी वाले तीन लोग हैं जो PGDCA के हैं और दुर्ग में रहते हैं, तो मुझे पता है कि इन तीनों में से ही कोई एक आया होगा, तो इन तीनों को बुलाया जाएगा और मैं उनको पहचान लूंगा। तो ऐसा इस टाइप से फिल्टर करके डेटा को कम किया जाता है और बहुत सारे फिल्टर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करने में करीब आपको हफ्ता भर लग जाएगा फिल्टर ऑप्शन को करने में। ठीक है, तो ये था आपका फिल्टर ऑप्शन जिसमें दो तीन टाइप के फिल्टर्स के बारे में हमने देखा। सर आपकी आवाज और